हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टाइम्स इंग्लिश क्लासेस। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही सुंदर कविता को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है 3 इयर्स सिग्रीव। सो विलियम वर्ड्सवर्थ, ही वॉज वन ऑफ द रोमांटिक पोएट्स ऑफ इंग्लैंड। ये इंग्लैंड के एक कल्पनाशील कवि थे। ही पब्लिश्ड हिज मास्टरपीस द लॉन्ग ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रेलूड इन द ईयर 1805। इन्होंने द प्रेलूड जैसी लंबी आत्मकात्मिक कविता 1805 ईस्वी में प्रकाशित किया था, जो इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति थी। ही कंपोज्ड हिज फेमस लूसी पोएम्स वाइल लिविंग इन लेक डिस्ट्रिक्ट। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध लूसी कविताएं लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते समय रचना की थी। ही रोट पोएम्स ऑन द ब्यूटी एंड मिस्ट्री ऑफ नेचर एंड द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड लाइव्स ऑफ सिंपल रस्टिक्स। इनकी कविताओं की विषय है प्रकृति की सुंदरता, रहस्य, प्रकृति और मानव के बीच संबंध एवं सामान्य ग्रामीणों के जीवन यापन पर आधारित। 3 इयर्स सिग्रीव अबाउट द पोयम। दिस पोयम इज अबाउट अ गर्ल नेम्ड लूसी। सी इज नेचर्स गर्ल। नेचर इट सेल्फ टेक्स केयर ऑफ लूसी, नर्चर हर, टीचेस हर एंड मोल्ड हर इंटू अ ब्यूटिफुल मेडन। बट अनफॉर्चुनेटली लूसी डाइड अनटाइमली एंड हर मेमोरी ओनली रिमेन्स इन द माइंड ऑफ द पोएट। यह कविता लूसी नाम की लड़की पर आधारित है। वह प्रकृति की बेटी है। प्रकृति खुद उसका पालन पोषण करती है, शिक्षा देती है और एक सुंदर महिला में परिवर्तित करती है उसे। लेकिन दुर्भाग्य से लूसी की असमय ही मृत्यु हो जाती है और कवि की स्मृति में वह सिर्फ एक याद बनकर रह जाती है। 3 इयर्स सी ग्रीव इन सन एंड सावर। तो नेचर कह रही है लूसी अभी 3 साल की है और इन 3 सालों में वह ऐसे बड़ी हुई है जिसमें उसे सूरज की रोशनी भी मिली है और बारिश का पानी भी मिला है। कहने का मतलब है कि वह एक फूल की तरह बड़ी हो रही है। देन नेचर सेड अ लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ एवर सोन। तब प्रकृति बोलती है ए लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वॉज नेवर सोन। यानी कि ये सुंदर फूल धरती पर इससे पहले कभी बोया नहीं गया। सोन मतलब बोना। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक। ये जो बच्ची लूसी है इसे मैं खुद पालूंगी, इसका देखभाल मैं खुद करूंगी। सी शैल बी माइन एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन। वह कहती है कि लूसी मेरी होगी और मैं उसे अपने प्रकृति में शामिल करूंगी। मतलब लूसी को नेचर अपने तरह सुंदर बनाना चाहती है। माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी बोथ लॉ एंड इम्पल्स। फिर प्रकृति कह रही है कि मैं खुद उसे यानी कि लूसी को ऐसा बनाऊंगी कि उसमें लॉ और इम्पल्स दोनों हों। लॉ का मतलब होता है कानून और इम्पल्स का मतलब होता है प्राकृतिक अभिलाषा। तो प्रकृति लूसी को ऐसा बनाना चाहती है कि लूसी बिल्कुल प्रकृति के नियम कानून के बीच संतुलित रहे या फिर बने। एंड विथ मी द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन इन अर्थ एंड हेवन इन ग्लेड एंड बावर। और वह मेरे साथ चट्टानों, पहाड़ों, समतल जमीन, हेवन मतलब आकाश, इन ग्लेड मतलब जंगल में खुला स्थान, बावर का मतलब विश्राम करने की छायादार स्थान। तो लूसी क्या करेगी, नेचर के साथ इन जगहों का निरीक्षण करेगी।
शैल फील एन ओवरसीइंग पावर, ताकि लूसी को लगे कि कोई देखभाल करने वाली शक्ति है जो उसे गाइड कर रही है, उसे रास्ता दिखा रही है। द किंडल और रिस्ट्रेन, किंडल का मतलब होता है जागृत, रिस्ट्रेन का मतलब रुकना, और नेचर उसे बता रही है कि कहाँ जागृत रहना है और कहाँ रुकना है, मतलब खुद पे नियंत्रण कब करना है, यह नेचर उसे बता रही है। शी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन दैट वाइल्ड विथ ग्ली अक्रॉस द लॉन और अप द माउंटेन स्प्रिंग्स। स्पोर्टिव का मतलब होता है चुस्त, फुर्तीला। फॉन का मतलब हुआ हिरन का बच्चा। तो नेचर बोल रही है, लूसी बिल्कुल हिरन के बच्चे के जैसे चुस्त और फुर्तीली होगी, जो इधर उधर भागेगी खुशी में। ग्ली का मतलब होता है खुशी में। लूसी बिल्कुल उस हिरन के बच्चे के भांति खुले मैदान पहाड़ों पर चुस्त और फुर्तीली होकर भागेगी और हमेशा खुश मिजाज होगी वो। एंड हर्स शैल बी द ब्रीदिंग बाम, और लूसी बिल्कुल उस खुशबू के तरह होगी जो लोग प्रकृति से अनुभव करते हैं। एंड हर्स द साइलेंस एंड द काम ऑफ म्यूट इनसेंसेट थिंग्स। म्यूट का मतलब होता है मौन, इनसेंसेट थिंग्स का मतलब निर्जीव वस्तु जिसमें जान न हो। लूसी के अंदर शांत स्वभाव भी होगा, ठीक उसी तरह जैसे निर्जीव वस्तु मौन रहते हैं। तो आगे नेचर कहती है, द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल लेंड टू हर, फॉर हर द विलो बेंड। जो बहते हुए आसमान में बादल है वे अपने खूबसूरत चाल लूसी को देंगी। लेंड मतलब देना। फॉर हर द विलो बेंड, और जो ऊंची विलो वृक्ष होती है वह भी लूसी के आगे झुकेंगे। नॉर शैल सी फेल टू सी इवन इन द मोशन ऑफ स्टॉर्म, और तूफानों में भी लूसी अपनी मर्यादा या डिग्निटी को देखने से बाज नहीं आएगी। ग्रेस दैट शैल मोल्ड द मेडन्स फॉर्म, ग्रेस का मतलब होता है लावण्य, सुंदरता। मोल्ड मतलब साचे में ढालना, और मेडन्स मतलब हुआ अविवाहित, नहीं, यानी कि लूसी को नेचर लावण्य सुंदरता से उस साचे में ढालना चाहती है जिससे वह एक सुंदर महिला बने। और कैसे ढालना चाहती है? बाय साइलेंट सिंपैथी, शांत सहानुभूति से। आगे नेचर कहती है, द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर एंड सी शैल लीन हर ईयर इन मैनी अ सीक्रेट प्लेस। आधी रात के जो सितारे हैं वह लूसी को बहुत प्यारे होंगे, लूसी उन्हें अपना दोस्त बना लेगी, और वह आसमान के कुछ रहस्यमय स्थानों से आवाजें भी सुन पाएगी। सीक्रेट प्लेस का मतलब रहस्यमय स्थान। इसका मतलब है कि लूसी बिल्कुल नेचर से करीब होगी। वेयर रिवोल्यूट्स डांस देयर वेवर्ड राउंड एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड शैल पास इनटू हर फेस। जहां नदियां बहती हुई जाती है, रिवोल्यूट्स मतलब नदी, एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड, और जो बहने से जो आवाज पैदा होती है उस आवाज की सुंदरता शैल पास इनटू हर फेस, वह लूसी के चेहरे पे होगी। एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट शैल रियर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट। तो नेचर कह रही है कि मैं उसे जीवन प्रदायिनी खुशी दूंगी, वाइटल्स मतलब जीवन प्रदायिनी, जो उसे शैल रियर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट, जो लूसी को रियर करेगी मतलब पालन पोषण करेगी। तो यह जो वाइटल फीलिंग्स है लूसी को तब तक पालेगी जब तक वह स्टेटली हाइट मतलब बड़ी नहीं हो जाती। हर वर्जिन बॉसम स्वेल,
जब तक उसकी छाती उभर कर बाहर नहीं आ जाती। इससे यह पता चलता है कि लूसी अब औरत बनने जा रही है। सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव, ऐसे विचार मैं उसे दूंगी। वाइल सी एंड आई टुगेदर लिव हेयर इन दिस हैप्पी डेल, और लूसी और मैं यानी कि नेचर और लूसी दोनों एक साथ इस घाटी में रहेंगे। डेल का मतलब घाटी। दस नेचर स्पेक द वर्क वॉज डन, नेचर बोलती है मेरा काम हो गया, मतलब लूसी बड़ी हो गई। हाउ सून माई लूसीज रेस वॉज रन, सी डाइड एंड लेफ्ट मी। तो ये जो लाइन है हाउ सून माई लूसीज रेस वॉज रन सी डाइड एंड लेफ्ट मी, यह अब नेचर नहीं बोल रही है, यह अब कवि बोल रहे हैं, विलियम वर्थ बोल रहे हैं कि कितनी जल्दी लूसी का जीवन खत्म हो गया। रेस का मतलब जीवन। सी डाइड एंड लेफ्ट टू मी, वह मर गई और मुझे अकेला छोड़ गई। दिस हेल्थ दिस काम एंड क्वाइट सीन, मरने के बाद क्या छोड़ गई, शांत वातावरण। द मेमोरी ऑफ वॉट हैज बीन एंड नेवर मोर विल बी, और जो लूसी की यादें हैं वो यादें तो है लेकिन लूसी अब नहीं है, वह मुझे इस दुनिया में बिल्कुल अकेला छोड़कर चली गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ कविता खत्म होता है। अगर आपको कोई भी लाइन समझने में परेशानी हुई हो पूरे कविता में तो कमेंट जरूर करें, हम उस कमेंट पे रिप्लाई जरूर करेंगे।